नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल स्टडी गाइड नंबर वन में। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। क्या होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं? ऐसी सीमा रेखाएं जो दो देशों को अलग करती हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, मैप में आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा पाकिस्तान है और ये वाला हिस्सा आपका अफगानिस्तान है। इनके बीच में एक रेखा खींची गई है, इस रेखा का नाम है दुरंड रेखा। क्या नाम है? दुरंड रेखा। अब इस दुरंड रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 2640 किलोमीटर। कितनी? 2640 किलोमीटर। इस दुरंड रेखा का नाम जो है ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मोर्टिमर दुरंड के नाम पर रखा गया है। दुरंड रेखा, दुरंड लाइन। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को हम दुरंद रेखा कहते हैं। यह रेखा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मोर्टिमर दुरंड के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, हमारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।